नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 इंग्लिश विषय की, वर्कशीट का फॉर्मेटिव असेसमेंट। तीन नंबर असेसमेंट में पहले सवाल में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे गहरा ब्लैक लाइन में जो वाक्य दिया गया है, व्हेन द क्लास फिनिश्ड, यहाँ से लगा के द रूम तक, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है, तो इसमें आउट ऑफ का प्रयोग किया गया है, जिसको आप टिक करेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको करेक्ट प्रोनाउन को राइट करना है। जैसे यहाँ पे कविता दिया है कमिंग ईयर, तो यहाँ पे इसके लिए वापस कौन सा सर्वनाम प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से सी का प्रयोग होगा। तो इसमें चार नंबर कॉलम को राइट करेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीन की, विच परफेक्ट्स विल बी एडेड विद द वर्ड मूव का परफेक्ट्स एड करना है, यानी इसका उल्टा करना है, तो रिमूव हो जाएगा, री एड करेंगे। इसी तरह क्लू के एड करेंगे तो हो जाएगा लेस, जो इसमें एक नंबर को राइट करेंगे। फिर पांचवें प्रश्न में आपके सामने राइट नेम्स ऑफ मैनी नाउंस, यानी यहाँ पे संज्ञा कौन कौन से हैं इस इमेज के अंदर, जो आज सामने चित्र दिया गया है, इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से वर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, ट्रेन है, बैग है, शेयर है, शॉप है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। छठे प्रश्न में आपके सामने चार सेंटेंस लिखने हैं इस इमेज के आधार पर। यहाँ पर आपके सामने इमेज दिया गया है, ग्लासेज का दिया गया है, इस ग्लासेज को देख करके आपको चार कोई भी वाक्य बनाना, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर बात करते हैं सात नंबर क्वेश्चन की, इसमें यहाँ पे आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस का निर्माण करना। जैसे वाइट है तो द रैबिट इज़ वाइट, यानी खरगोश का कलर सफ़ेद होता है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। असेंबली है या साइंस है या हॉल है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको वाक्य का निर्माण करना होगा। इस तरह से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट तीन पर कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।